हो जाएगा ऋषभ का किरदार। मौत के ट्विस्ट से शेष नागिन के सामने आएगी पूरी हकीकत। नागिन 6 का ट्रैक या यूं कहें कि कहानी दिनों दिन काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बेशक शो टीआरपी में लगातार रेटिंग्स के लिए उतार चढ़ाव झेल रहा हो, लेकिन भाई कहानी में आ रहे ट्विस्ट एंड टर्न्स के कारण जनता शो के अपकमिंग एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करती है। वहीं अब ऋषभ की मौत के ट्रैक से शो में 3 जबरदस्त ट्विस्ट लाने की प्लानिंग की है मेकर्स ने। अब क्या है वो 3 दमदार और धांसू ट्विस्ट जो शो को और दमदार बनाने वाले हैं, ये भी सुनिए जरा। पहला ट्विस्ट, प्रथा को पता चलेगा ऋषभ नहीं है गुनेगार। अब तक प्रथा ऋषभ के जान के पीछे ही थी। उसे यही लग रहा था कि ऋषभ ही गुनेगार है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हुई। वो हर वक्त ऋषभ को मारने की साजिशों में लगी रहती है, लेकिन अब आने वाले एपिसोड में गुजराल हाउस में एक अनजान लाश को पुलिस वालों के जरिए लाया जाएगा। पूरे गुजराल हाउस में माना जाएगा कि ये ऋषभ की ही लाश है जो अब इस दुनिया में नहीं। ऋषभ की डेड बॉडी को देख पूरा परिवार बिखर जाएगा, खास तौर से प्रथा। ऋषभ की बॉडी को यूं आंखों के सामने देख प्रथा को एहसास होगा कि असली गुनेगार ऋषभ था ही नहीं। खबरें हैं कि ऋषभ की मौत के इसी ट्रैक से प्रथा के सामने शक्ति की सच्चाई आएगी कि ऋषभ नहीं बल्कि ऋषभ का भेष अपना कर शक्ति सारी काली करतूतें कर रहा था। दूसरा ट्विस्ट, आग में होगी किसकी मौत, ऋषभ या शक्ति। शो का जो हालिया प्रोमो सामने आया है उसमें दिखाया गया है कि गुजराल हाउस में भयंकर आग लग जाती है जिसमें ऋषभ खुद को बचाता नजर आता है और अगले ही पल एक डेड बॉडी नजर आती है जिसे देख सभी ऋषभ के गम में चूर हो जाते हैं, हर तरफ मातम पसर जाता है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये ऋषभ ही है जो उस आग में झुलसा है, या फिर ऋषभ नहीं बल्कि शक्ति हो गया इस आग की लपटों का शिकार। भाई फांस के बीच में तो ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं कि ऋषभ को कुछ नहीं होगा बल्कि जो लाश है वो शक्ति की होगी और शक्ति की ही अपकमिंग ट्रैक में हो जाएगी मौत। और तीसरा ट्विस्ट, क्या होगी महक उर्वशी की अगली चाल। वो कहा जा रहा है कि आने वाले एपिसोड में शक्ति का पर्दाफाश होगा प्रथा के आगे। उर्वशी और महक भी प्रथा की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस आग वाले ट्विस्ट के बारे में जाहिर तौर पर महक और उर्वशी एक और नई चाल चलेंगे प्रथा को मारने की और उसे गुजराल हाउस से दूर भी करने की। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या ऋषभ के बेगुनाह साबित होने के बाद क्या प्रथा उर्वशी और महक का पर्दाफाश करने में कामयाब हो पाएगी। बता दें कि नागिन 6 को लेकर बीते कई हफ्तों से ऑफ एयर होने की खबरें खूब सामने आ रही हैं। हालांकि अब देखना तो यह है कि आखिर फिनाले से पहले कहानी में क्या क्या नए नए मोड़ आते हैं। वैसे आप इस वीकेंड एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में।